رحم الله من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يلتنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات بيجي دیکھیے عزائے سید الشہداء اور امام حسین علیہ السلام تو وسلام کی مجلسیں چاہے وہ سننا ہو یا پڑھنا دونوں کے لیے کہہ رہے ہیں چاہے سننا ہو اور چاہے پڑھنا نہ اپنا دماغ لگا کے اسے سنیے نہ اپنی عقل پہ اسے تولیے نہ پڑھنے والے اپنی عقل کی بنیاد پہ کربلا کے واقعات کو پڑھیں اور نہ لوگوں کے لیے بیان کریں. دیکھیے کربلا ماورائے عقل کا نام ہے. کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ یہ چیز کیسے ہوئی یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مولانا. کبھی ہوتا ہے نا کوئی چیز کہ کیسے یہ ہوئی یہ چیز یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں ایک چیز کے بارے میں کہ یہ کیسے ہوئی کہ ہماری عقل حیران ہے اور لوگوں کی عقلیں حیران ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کربلا بالکل ویسے ہی ہے. اگر کربلا سمجھ میں آ جائے سب کے تو پھر کربلا نہیں ہے. کربلا نہیں ہے. کربلا ابتدا سے لے کے انتہا تک معجزہ ہے. پورا مکمل معجزہ ہے سید الشہداء کا. آپ کسی بھی نقطے پر آپ انگلی رکھیے اور اسے عقل کی بنا پہ اگر تحلیل کرنا چاہیں تحلیل نہیں کر پائیں گی عقلیں. عقلیں کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہے مگر کربلا میں ہوا. عقل کہتی نہیں ہو پائے گا. کربلا والوں نے کر کے دکھایا کہا جہاں تمہاری عقل نہیں پہنچتی ہے وہاں ہمارا عمل پہنچتا ہے. تمہاری عقل نہیں پہنچ سوچ نہیں پا رہے ہو ہم نے کر کے دکھا دیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ کربلا والے جیسا بننا بڑا مشکل ہے. نہیں بن پائیں گے.
करबला वालों के जैसे हम लोग ज़ियारतों पढ़ते हैं ना, या लैतनी कुंतु माकुम फाफूजा माकुम फौजन अजीमा, कि काश हम भी करबला वालों के साथ होते तो करबला वालों जैसा रुतबा हमारे भी नसीब हो जाता। ये ज़ियारत में हम लोग पढ़ते हैं, मगर बस इसे पढ़ते जाइए, इस पढ़ने का सवाब ये होगा कि उनके तुफैल में आपकी आखिरत आबाद हो जाएगी। वरना कभी जहन में तसव्वुर ना आए कि हम भी करबला वाले जैसे बन जाएंगे। याद रखिए, वो सिर्फ 72 थे जिन्हें हुसैन ने इंतखाब किया था, न 72 करबला के बाद मिले न कयामत तक मिलने वाले हैं। ये मोती सिर्फ हुसैन के पास थे, सिर्फ हुसैन ने इनका इंतखाब किया था, फिर नहीं मिल। देखिए, आजादारी के हवाले से बड़ी मुश्किल है। कभी कभी कुछ लोग इस तरीके से कह जाते हैं, नहीं मालूम कहाँ है वो, अभी हुसैन के साथ एक कदम भी नहीं चले हैं लगता है। हमारे लोग अपने लोगों को बात कर रहे हैं, कभी कभी ये कहते हैं कि अरे मजलिस में इतना सब खर्च करने का मतलब क्या होता है, किसी के शादी वगैरह में दे दिया जाए। देखिए, मैं यही मजलिस, देखिए मैं ऐसे ही गुफ्तगू करता हूँ, ऐसे ही मजलिस पढ़ते, यही मजलिस हो जाती है हमारी, जो आप सुन रहे हैं हम सुना रहे हैं, यही जो है क्या कहते हैं मजलिस होती है हमारी। मैं मजमे से पूछता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं इसमें जो इस बात को पसंद करते हैं कि हम मजलिस में पैसा खर्च कर दें, या किसी की शादी हो रही है उसकी लड़की को दे दें जहेज में। कितने लोग हैं इसमें बताइए, कि हम यहां मजलिस में पैसा लगा दें ये, या ये पैसा हम वही पैसा अगर हो ये पैसा हम फला जगह दे दें, उसकी लड़की की शादी पड़ने वाली है ना तो उसमें दे दें। आपको दोनों में कोई फर्क नजर आ रहा है या नहीं? दोनों में कोई फर्क नजर आ रहा है? पैसा ही देना है। आप कहेंगे चाहे हुसैन की राह में दिया जाए, चाहे अल्लाह की राह में दिया जाए, वो भी तो एक बहरहाल मुसलमान है, मोमिन है, वो उसके लड़के की शादी है, उसकी मदद हो जाएगी, उसको दे दिया जाए, चाहे इमाम हुसैन की मजलिस में दे दिया जाए। अगर यही जवाब सबका है कि चाहे यहां दे दिया जाए चाहे वहां दे दिया जाए कोई फर्क नहीं है, तो अभी आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ एक कदम नहीं चल पाए हैं। अभी दूसरा कदम आपने उठाया ही नहीं है इमाम हुसैन के साथ, अभी हुसैन को पहचाना ही नहीं है आपने, अभी सिर्फ लफ्जों से आपने हुसैन की मदा की है, अभी दिल से हुसैन के नहीं हुए हैं आप, अभी सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी जाने हुसैन पे कुर्बान, अभी सिर्फ कह रहे हैं आपके हमारे माल हुसैन पे कुर्बान, हमारी औलाद हुसैन पे कुर्बान, हम हुसैन पे कुर्बान। अमां जहां सब कुर्बान करने की बातें कर रहे हो, वहां इतना माल हुसैन की राह में देते हुए इतना सोच क्या रहे हो कि इधर दिया जाए कि उधर दिया जाए? इतना सोचेंगे कि इधर दिया जाए कि इधर दिया जाए? यानी अभी हुसैन हमारी समझ में नहीं आए हैं, अभी हुसैन हमारे दिल में नहीं उतरे हैं, वरना वाकई हुसैन ऐसे ही है जैसा हम कह रहे हैं, यानी वाकई हमारी जाने ऐसी हैं कि इसे हुसैन के नाम पे कुर्बान किया जा सकता है और 70 बार कुर्बान किया जा सकता है। हुसैन है ऐसे कि कुर्बान किया जाए उनके ऊपर। अगर हुसैन ऐसे हैं, इतने अजीम हैं हुसैन कि सब इन पे कुर्बान किया जाए, तो फिर हुसैन के बारे में सोचना कैसा, सोचना किस बात का, जहां दो चीजें सामने आ जाएं, दोनों खैर हो आप क्या करेंगे, दोनों सही हो। मसलन एक मिसाल दें, दरिया में बाढ़ आई हो, दरिया में बाढ़ आई हो, आप पुल के ऊपर हो, देख रहे हैं कि दो आदमी डूब रहे हैं,
दोनों मुसलमान दोनों शिया हैं, दोनों शिया हैं। अब जान का बचाना तो वाजिब है, आपके अंदर अगर कुदरत है तो आप बचाइए, वाजिब है आपके ऊपर। अब देख रहे हैं कि अगर हम इन दोनों को बचाने जाएं तो हम भी चले जाएंगे। एक को बचा सकते हैं आप, दोनों में से एक को आप बचा पाएंगे, दोनों को नहीं। इस्लाम कहता है कि जितनी कुदरत उतना ही हमने तुमसे तलब किया है, लिहाजा एक को बचा सकते हो एक को बचा लो, दोनों में चूंकि तुम्हारी जान भी जाएगी उनकी भी जान जाएगी, लिहाजा इस्लाम कभी जरूरी हुक्म, नुकसानदेह हुक्म मुसलमानों के लिए नहीं देता है। लिहाजा तुम्हारी जान बचते हुए अगर एक को बचा सकते हो तो एक ही को बचा लो, इतना ही वाजिब है तुम्हारे ऊपर। दोनों का बचाना चूंकि नहीं कर सकते हो, लिहाजा मुहाल अल्लाह किसी सूरत में किसी बंदे के ऊपर नहीं थोपता कि जो ना कर पाओ वो भी करो, ना ऐसा नहीं कहता। दोनों को नहीं बचा सकते तो नहीं कहेगा कि दोनों को बचाना वाजिब है, एक को बचा सकते हो तो एक का बचाना वाजिब है। अब आपने देखा कि एक को तो बचा सकते हैं दोनों में से, जरा देखा जाए ये डूबने वाले हैं कौन दोनों। देखा कि अरे ये तो वही मौलाना रन्नो वाले हैं, अरे ये तो मौलाना है, इनकी तो मजलिसें हमने सुनी, इनको देखा पहचानते हैं। दूसरा कौन है? दूसरा कहा वो उन्हीं के बगल में जो पड़ोस रहता है, सब्जी बेचता है बेचारा, शिया मोमिन आदमी है बेचारा, बहुत नेक आदमी है वो, मजलिसों में इसको भी बराबर देखा है। एक सब्जी की दुकान लगाने वाला मोमिन शिया इमाम हुसैन का चाहने वाला डूब रहा है, और एक इमाम हुसैन का चाहने वाला जाकिर इमाम हुसैन आलिम दीन डूब रहा है। अब दोनों के बचाने की कुदरत तो आप रखते नहीं, तो अल्लाह का हुक्म क्या है? एक को बचा लो। अब यहां पर अल्लाह ने आपको अक्ल दी है और आपको अख्तियार दिया है कि दोनों में से बचाने के लिए किसके लिए आगे बढ़ो, किसको बचाओ, आप बताइए किसको बचाएंगे दोनों में से? आलिम को। क्यों? क्यों आलिम को? इसलिए कि आलिम के बारे में हम जानते हैं कि आलिम इतना मुफीद है मुआशरे के लिए जितना वो इंसान मुफीद नहीं हो सकता। आलिम का जो रुतबा हमने पढ़ा है, मिंबरों से बयान हुआ है, पैगंबर ने जो बयान किया है, उससे ये मालूम है कि उस इंसान का रुतबा इस आलिम के बराबर नहीं है। लिहाजा अक्ल कहती है कि जिसका रुतबा बुलंद है, जिससे काम ज्यादा लेना है, जो ज्यादा लोगों के काम आने वाला है, उसे बचा लो, जिसकी जरूरत कम है उसे छोड़ दो। ये अक्ल का फैसला है। अब इसी अक्ल के फैसले की बुनियाद पे जरा इमाम हुसैन के बारे में भी चले आइए और वही अक्ल की बुनियाद पे जरा फैसला कर लिया कीजिए कि अगर दो सवाब के रास्ते हो, एक सवाब वो है जो हुसैन से करीब तो नहीं है मगर राह हुसैन में जरूर है, दूसरा सवाब ऐसा है जो खुद हुसैन उस सवाब में शामिल है, जहां हुसैन सामने है एक सवाब भी आपके सामने हो, दोनों सवाब का मतलब भी आप जानते हैं, यहां कम से कम अक्ल लगाने की जरूरत तो है कि समझा जाए कि ये सवाब कि ये सवाब, अगर इतना समझ लिया आपने तो हुसैन को गोया समझ गए कि जितने सवाबात अल्लाह ने रखे हैं सबसे बड़े सवाब का नाम हुसैन इब्ने अली है। अरे कोई सवाब एक तरफ हो, हुसैन जहां आ जाए हुसैन अकेले सवाबों पर भारी है। फैसला करना पड़ेगा कि हुसैन की तरफ जाया जाए कि ना जाया जाए। आप कहेंगे मौलाना पैसा दे दिया जाए तो क्या मुश्किल है आपको, क्या गलत लग रहा है? आखिर लड़के की शादी है उसकी, उसकी मदद कर दी है, हमें कोई ये हमने कहा ये भी कार्य खैर है, ये भी सवाब है, परवरदिगार अजर देगा कि आपने उसका साथ बताया है, एक मुसलमान है एक मोमिन है, उसकी लड़के की शादी है, उसमें आपने मदद की, अल्लाह आपको जजाए खैर दे, सब सही है। मगर मुझे सिर्फ इतना जवाब दीजिए कि क्या आप उसी पैसे के ऊपर जो इमाम हुसैन से मंसूब है उसी पे नजर लगाए हुए बैठे हैं? अरे भाई क्यों उसी पैसे पे नजर है
जो मजलिस में खर्च हो रहा है, अरे जिसको अल्लाह ने मजलिस में खर्च करने के लिए दिया है उसे अल्लाह ये भी तौफीक देता है कि ऐसी शादियों में भी खर्च करे। अरे हमने तो देखा है ऐसे ऐसे पैसे वालों को जो लाखों मजलिस में खर्च करते हैं तो 2 लाख लड़की की शादी में भी देते हैं। आपने ये क्या कह दिया कि उस मजलिस के पैसे से काट के इधर शादी में लगाया जाए। यहीं से समझ में आता है कि अभी आपके हल्क में हुसैन फंसे हुए हैं, दिलों में नहीं उतरे हैं। अभी सोच रहे हो कि किधर जाया जाए, अभी आ नहीं पाए हो हुसैन की तरफ। आओ सैयदुल शुहदा की तरफ। हम किस मंजिल पे हमने आने के बाद ये कहा कि किसी की मदद ना की जाए। मदद करना इस्लाम में कारे खैर है, अच्छा काम है, नेक काम है, मगर आप क्या इस चीज को समझते हैं, इस लहजे को समझते हैं कि इमाम हुसैन की मजलिस में खर्च करने से क्या मतलब होता है, इतना खर्च करते हैं। मुख्तसर में भी तो हो सकती है, काश यही चीज़ आप समझ जाते कि मुख्तसर में बहुत चीज़ हो सकती है। अल्लाह अकबर। सिर्फ हुसैन की मजलिस में कमी नज़र आती है तुम्हें कि इधर कम कर दिया जाए, बकिया चीज़ों में कमी नहीं नज़र आती है। यही चीज़ें अगर दूसरी जगहों पे कहते तो कितनी हुनर की बात थी, कितनी अच्छी बात थी, कितनी प्यारी बात थी। मगर एक तरफ आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी को नज़र में रख के और हुसैन की आज़ादारी पे हमलावर हो रहे हैं, हुसैन की आज़ादारी को निशाना बना रहे हैं। दुश्मन तो चाहता ही है कि अज़ाए सैयदुल शुहदा कम से कम हो, जितने कम में हो जाए बेहतर है। इस साल तो आपने देखा ही कि कोशिश भी हो गई, बीमारी बहाना मिल गया तो कोशिशें बहुत हुई। बयानात आए हैं लोगों के जो तायीद करते हैं इस चीज की कि हम तो कब से ये चाह रहे थे कि जुलूस सड़कों पे ना आए। हमने तो अदालतों में अर्जी दायर कर रखी है, हमने तो कोर्ट में मुकदमा कर रखा है कि आलम ताजिया ये सब सड़क के ऊपर और रोड के ऊपर ना आए, उमूमी जगह पे ना आए। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ये लोग कि कम से कम ऐसी बीमारी आई कि इस साल ये चीजें अवाम के सामने ना आ पाई। खुदा का शुक्र जिस वक्त अदा करते हो उस वक्त तुम्हारी जबान ऐसे आलम में गुफ्तगू करती है कि तुम ना अपनी नस्ल को समझ पा रहे हो, ना अपने आबाओ अजदाद को समझ पा रहे हो। यही से तुमने अपने बुजुर्गों का भी शजरा खोल दिया, अपने बाप की नस्ल का पता भी दे दिया। एक सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यहीं से सब मालूम हो गया जी हाँ, यहीं से सब अपने इब्तिदा से लेके इंतहा तक सब बता दिया। 13 मुहर्रम को जहर है, ये 11 मुहर्रम मुझे ऐसा भूल रहा हूँ तारीख को। हमारे घर के सामने खादी अजल चिल्ड्रन अकेडमी है, हमारे घर के पास में। मैं निकला इसे चौराहे तक जाता हूँ कभी कभी कोई चीज़ लेने हुए तो टहलते हुए इसे चला जाता हूँ कि थोड़ा सा चहलकदमी भी हो जाएगी और कुछ लेना है तो ले भी लिया दुकान से। मैं जा रहा था तो देखा कि कुछ मुसलमान हजरात टोपी भी लगाए हुए थे, दाढ़ी भी रखे हुए थे, कुछ इकट्ठे भी पड़े हुए थे। वो रोड पर थे और गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, सजी सजाई गाड़ियाँ। और आगे जब बढ़े तो हमने पूछा कि खैरियत तो है यहाँ, तो कहने लगे कि बारात आई है फलां के यहाँ। 11 मुहर्रम की बात कर रहे हैं या 13 मुहर्रम की? बारात आई एक मुसलमान के यहाँ, जो ये दावा भी करता है कि हम भी हुसैन को मानते हैं, हम भी हुसैन को मानते हैं। अभी हुसैन का सेवम नहीं हुआ है, तुम अपने यहाँ बारात बुला रहे हो। पर लोग कहते हैं कैसे पहचाना जाए कि ये लोग हुसैनी हैं कि हुसैनी नहीं हैं, और खुल के कहें हुसैनी हैं कि यजीदी हैं, कैसे पहचाना जाए कि ये हुसैनी हैं कि यजीदी हैं?
हमने कहा कोई डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, डीएनए ना टेस्ट कराइए कि इनकी नस्ल में कौन सा खून है, ना अमल को देख लो खुद ब खुद पता चल जाएगा, अमल को देख लो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इनका ताल्लुक करबला से है कि इनका ताल्लुक सकीफा से है। अरे 11 मुहर्रम को शर्म नहीं आती नवासे रसूल के कत्ल के बाद अभी हुसैन का लाशा जमीन के ऊपर पड़ा है, तुम अपनी बारात में मशगूल हो। मुसलमान कहते हो अपने आप को, नबी का कलमा पढ़ने वाले कहते हो, तुम्हारा अमल बता देता है, जबान से कुछ नहीं होता, अमल बताएगा, अमल बोलता है, अमल दावत देता है लोगों को, फिक्रों को बताता है अमल। वरना इंसान को पहचानना बड़ा मुश्किल है, इंसान नहीं पहचाना जाएगा, इसलिए कि दिल में जो रखता है वो जबान पे नहीं लाता है। यह हुनर इंसान का है कि दिल में रखता है जबान पे नहीं लाता है, और लाख कोशिश कर लीजिए न लाना चाहे तो नहीं लाएगा जबान पे। लिहाजा बहुत मुश्किल है इंसान का पहचानना, मगर बहुत आसान है पहचान लेना अगर उस पे अमल पे नजर की जाए। अमल के जरिए से तुम्हारी फिक्र पढ़ी जा सकती है, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है इसे पढ़ा जा सकता है। इसलिए कि इंसान कभी ना अपने दिल की मुखालफत करता है ना अपने अक्ल की मुखालफत करता है, लिहाजा अमल के जरिए से पहचानो कि इसका दिल कहां से वाबस्ता है, हुसैन से वाबस्ता है कि यजीद से वाबस्ता है। बिला वजह के यजीद की तारीफ नहीं होती। अमा एक हुसैनी जाएगा, मगर याद रखिए कभी इस बात को तस्लीम नहीं करेगा कि हुसैन ने बैत की हो यजीद की। हां मानेगा क्या? मानेगा नहीं मानेगा? क्यों? किस लिए? आखिर मान ले क्या हो जाएगा? मान ले क्या हो जाएगा? क्या बिगड़ जाएगा उसका? चंद लम्हों में उसका क्या हो जाएगा? वो चंद लम्हा नहीं देखता है, अल्लाह अकबर, वो चंद लम्हा नहीं देखता है, वो अपनी इतनी लंबी हयात देखता है जिसके लिए तुम सोच भी नहीं सकते हो। वो चंद दिन की जिंदगी को नहीं देखता है, वो वहां की जिंदगी को देखता है जो हमेशा के लिए है, जो हुसैन से मिलने वाली है, बकिया किसी से नहीं। लिहाजा हुसैन की मुखालफत नहीं करेगा। देखिए बस ये चीज़ें बिल्कुल जहन से निकाल दीजिए कि सैयदुश्शुहदा का मुआजना किया जाए किसी मुकाबले में, लाया जाए सैयदुश्शुहदा को, खुदा की कसम नहीं लाया जा सकता है। हमने आज़ादारी सैयदुश्शुहदा में लोगों को अपने औलादों को बेचते हुए देखा है। आप किस माल की बात कर रहे हो? बेटे को बेचते हुए देखा है। इसी बसरे के हैं एक मियां बीवी जिन्होंने, ताजिर थे, तजारत टूट गई, नुकसान हुआ, काफी नुकसान हुआ, कर्जे में चले गए बेचारे, गुर्बत आ गई। हर साल 10 दिन ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब थे ताजिर तो बहरहाल खर्च करते, 10 दिन मजलिस करते थे, लोगों को चाय नाश्ता सब इंतजाम करते थे, ये हैसियत वाले थे। अब जो फकीरी आ गई, गुर्बत आ गई, जो तिजारत में नुकसान हुआ और इन्होंने अपना जैसे तैसे तो काट लिया, लेकिन जब मुहर्रम करीब आया तो इनको बैठना पड़ा। दोनों मियां बीवी बैठे कि आखिर मुहर्रम आ रहा है तो क्या किया जाएगा, 10 दिन इमाम हुसैन की मजलिस कैसे की जाएगी। इन लोगों ने कहा कि आखिर कोई रास्ता तो नजर नहीं आ रहा है। इतने में इनका जवान लड़का 14-15 साल का, वो दरवाजे से घर में दाखिल हुआ। माँ ने इशारे में बाप से ये कहा कि हो सकता है इंतजाम मजादारी का हो सकता है, बड़ा जिगर चाहिए। माँ ने जवान बेटे को देखने के बाद शौहर से ये कहा बाप से कि इमाम हुसैन की आजादारी का इंतजाम हो सकता है। बेटा
बाप माँ तीनों बैठे, गुफ्तगू हुई कि इस साल क्या किया जाए। तय ये हुआ कि बेटे को बेच दिया जाए। बेटा भी इमाम हुसैन को मानने वाला है, चाहने वाला है, तरफदार है सैयद शोहदा का, बचपन वही देख के और चाय पिला के बड़ा हुआ है, वो भी राजी हो गया। हाँ सही तो है, बेच दीजिए हमको, यहाँ न रहेंगे, किसी घर रहेंगे, काम करेंगे, और क्या, मजलिस तो हो जाएगी इमाम हुसैन की। राजी हो गया, बाप ने बेटे को लिया और लेके कहा कि अपने शहर में अगर जाएंगे बेचने के लिए सब पहचान जाएंगे, बगल के शहर में चलते हैं, छोटा शहर है, वहाँ बेच आते हैं। लेके लड़के को गए उस शहर में, मालूम किया कि कहाँ गुलाम बेचे जा रहे हैं, कहाँ बच्चे बेचे जाते हैं। वहाँ गए बाजार में, देखा भीड़ थी, खरीद हो रही थी, फरोख्त हो रही थी। ये भी खड़े रहे दोनों बाप बेटे, शाम होने को करीब आई, किसी ने नहीं खरीदा। यहाँ तक कि जब सूरज गुरूब होने लगा तो बाप ने कहा कि अब माँ भी इसकी परेशान हो रही होगी कि नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसी बसोपेश में थे, सोच में रहे थे, इतने में एक घोड़े सवार इंसान आया, आने के बाद रुका इनके पास, कहा क्यों खड़े हो बाजार में। कहा इसे बेचना चाहते हैं, गुलामी में देना चाहते हैं, बेचने के लिए लाए थे, कुछ माली मुश्किल है, उसे हल करना चाह रहे हैं। कहा कितना पैसा लोगे इसका। उसने 10 दिन की मजलिस का हिसाब किया थोड़ी देर में, और देखा कि इतने में 10 दिन की मजलिस हमारी हो जाएगी। उसने उतना पैसा बता दिया कि इतना अगर मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। उस शख्स ने जेब से अपने थैली निकाली और कहा ये रकम ले लो और गिन लो उसको। उसने गिना, मुकम्मल रकम थी, ले लिया। बेटे को बिठाया अपने घोड़े के ऊपर और कहा बेटा चलो। बेटे ने बाप से जुदाई अख्तियार की तो गिरिया शुरू किया। बाप चला आया आंखों में आंसू लिए हुए, बेटे को बेच के मजलिस का पैसा मिल गया, इसी बात पे खुश था। चला आया अपने घर। इधर घोड़े सवार ने उस बेटे को, उस जवान को अपने घोड़े पे जब बिठाया और लेके जाने लगा तो लड़का रो रहा था। पूछा क्यों रो रहे हो बेटा, वो भी तुम्हारा घर था, अब जहाँ जा रहे वो भी तुम्हारा ही घर रहेगा, घर जैसा समझना, कोई तुम्हें तकलीफ नहीं होगी हमारे यहाँ। बेटे ने क्या कहा मालूम, बेटे ने कहा कि वो जो हमारा मालिक था पहला, जिसने बेचा हमको, वो बहुत मेहरबान था, बहुत चाहता था मुझको, इसलिए रोना आ रहा है। सवार ने क्या कहा मालूम, कहा जिसने तुम्हें बेचा है वो तुम्हारा मालिक नहीं था, जिसने बेचा है वो तुम्हारा मालिक नहीं था, वो तुम्हारा बाप है जिसने बेचा है। किस लिए बेचा है ये भी हम जानते हैं, हमारी मजलिस के लिए उसने तुम्हें बेचा है। हम ये भी जानते हैं कि किस लिए तुम्हें बेचा है तुम्हारे बाप ने, हमारी मजलिस के लिए तुम्हें बेचा है। अल्लाह अकबर। कहा आप हैं कौन, आप हैं कौन। कहा जिसके लिए तुम्हारा बाप हर साल 10 दिन मजलिस मुनाकिद करता है, मैं हुसैन इब्ने अली हूं। अल्लाह अकबर। काका जब आप सब कुछ जानते ही हैं तो आप बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरे बाप ने क्यों बेचा और किस आलम में बेचा। का क्या चाहते हो, का आप क्या चाहते हैं। का हम तुम्हें इसी वक्त आजाद करते हैं, अपने घर जाना चाहोगे या हमारे साथ। का इस वक्त मुहर्रम करीब है, जहां हमेशा आपके नाम पे खिदमत की है वही फिर पहुंचा दीजिए आका। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी आंखों को बंद कर लो। उस जवान ने अपनी आंखें बंद की। इमाम ने कहा अपनी आंखों को खोल दो। कहता है मैंने जैसे ही आंख खोली तो देखा अपने घर के दरवाजे पे खड़ा था। इसी असना में मेरा बाप वापस पलट के आया, मां दरवाजे पे आई तो बाप ने एक जुमला कहा, भाग आए। Yeah.
के यहां से, कहता है बाबा भागा नहीं हूं, अरे जिसके हवाले आपने किया था उसी ने यहां पहुंचाया है। ए बाबा आपकी आजादारी के लिए उसने ये इंतजाम किया है, मुझे भी आजाद कर दिया है। पूरी जिंदगी उसके बाद उस साल की आजादारी भी उसने की, हुसैन ने कुछ लिया भी नहीं, अपनी मजलिस भी दसों दिन करवा दी। उसके बाद उसकी जिंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आया जब इसके यहां गुर्बत ने दस्तक दी हो। पूरी जिंदगी ये है हुसैन, कहां हो अभी? हुसैन को पहचानो, हुसैन की तरफ आओ, हुसैन के नाम पे देना तो सीखो पहले, देखो हुसैन कैसा अज्र देते हैं। अल्लाहु अकबर। आइए मजलिस का वक्त गुजर रहा है, पढ़ा जाए उस हुसैन की बेटी का जिक्र किया जाए। आजकल उसकी शहादत की तारीख है, इसलिए पढ़ने दीजिए मसाए, पढ़ा जाए उस बेटी का जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से प्यास को भी वरासत में पाया है। देखिए दो चार मिनट देर हो जाए तो माफ कीजिएगा, पढ़ लेने दीजिए जनाब सकीना के मसाइब को। बेटी ने इमाम हुसैन की, ये बेटी जैसे आप कहते हैं ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में सबसे ज्यादा प्यास लगती थी, इस बेटी को भी विरासत में यही प्यास मिली थी। हुसैन की प्यास इस बेटी को मिल गई है। ये बेटी कितना जाबलब होती थी इसका अंदाजा सिर्फ करबला में जिन्होंने देखा है सकीना को वही लगा सकते हैं, या सैयद सज्जाद बता सकते हैं, या फूफी ज़ैनब बता सकती है। अल्लाह इस बेटी के बारे में क्या क्या पढ़ा जाए। जितने दिन ये बेटी जिंदा रही एक लम्हे के लिए हुसैन से गाफिल नहीं हुई, और इसी का नतीजा था, हुसैन से जुदाई का नतीजा था जो हुसैन की बेटी एक महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाई। हुसैन की शहादत के बाद एक महीना सिर्फ ये बेटी जिंदा रही, हुसैन की जुदाई से खा गई। अल्लाहु अकबर। शामे गरीबा का एक मंजर दिखाए, समझिए इस बेटी को। शामे गरीबा में दिन भर बच्चे, जितने भी बच्चे थे, सबने जंग देखा, कुरेजी देखी, लाशा देखा, घोड़ों को दौड़ते हुए लाशों पे देखा, जलते हुए खैमों को देखा, चादरें छीनना देखा, यही सब तो देखा बच्चों ने दिन भर। दिन भर 10 मुहर्रम को ये बच्चे देखते रहे, किसी ने न इनकी तरफ तवज्जो की, न इन्होंने किसी की तरफ, सिर्फ देखा कि क्या यहां हो रहा है। अब जो सूरज डूबा, खैमे लूट लिए गए, जला दिए गए, तो जो बच्चे जिधर चाहे निकल गए। क्यों? इसलिए कि उन्होंने देखा कि अब ये जगह रहने के लायक नहीं है, यहां तो खैमे लूटे जा रहे हैं, कत्ल किया जा रहा है, गारतें हो रही, यहां रहने की जगह नहीं है। बच्चों ने सिर्फ इतना ही समझा, लिहाजा बच्चे भागे। उन्हीं भागे हुए बच्चों में से मुस्लिम के दो बेटे हैं, ये दोनों बेटे भी वही हैं जो शामे गरीबा की तारीकी में करबला से भागे, भाग के कूफा पहुंचे, वहां पकड़े गए और जिंदान में डाल दिए गए। ये दोनों बच्चे वो थे। कुछ बच्चे वो थे कि जहां पहुंचे, जहां गिरे, फिर वहीं उठे नहीं। अल्लाहु अकबर। कितने ने तो दम तोड़ दिया, कितने थे जिन्हें सुकून मिल गया तो सो गए। अल्लाह, इसे सुकून कहते हैं क्या? जो बच्चा जहां गिरे वहां से ना उठे सो जाए, इसे सुकून कहते हैं क्या? करबला के बच्चों ने कैसा सुकून महसूस किया, जहां थे सो गए। मगर हुसैन की बेटी क्या आलम सुनिएगा, हुसैन की बेटी अब भी परेशान है, मक्तल में आई, जब तक हुसैन का सीना न मिलेगा सकीना सो नहीं सकती। अरे जैसे ही हुसैन का सीना मिला, सकीना ने अपना रुखसार रख दिया, बेटी को नींद आ गई, हुसैन की बेटी सो गई। सीना हुसैन का मिल गया तो बेटी सो गई। शहजादी ज़ैनब कुबरा
मासूम। दोनों बहनें जब हुसैन की इस बेटी को तलाश करते करते मक्तल के करीब पहुंची और वहीं ठहर के आवाज देती है, ए मेरी बेटी सकीना कहाँ हो। अरे आवाज कुछ बुलंद थी, सकीना ने तो कोई जवाब न दिया, मगर इमाम हुसैन ने जवाब दिया। कहती है, ए मेरी बहन ज़ैनब, अरे जरा आहिस्ता बोलो आहिस्ता, अरे मेरी बेटी अभी सोई है। अरे जैसे ही जनाब ज़ैनब सकीना के करीब पहुंची है, प्यार से भतीजी को उठाया, एक सवाल किया, ए मेरी बेटी, अरे ये तो बता दो कैसे तुमने पहचाना कि ये तुम्हारे बाप का लाशा है। अरे इस पे तो ना कफन है ना सर है। बेटी ने जवाब दिया, ए फूफी अम्मा, अरे जब मैं अपने बाबा को बुलाते बुलाते यहाँ पहुंची तो इसी कटी हुई गर्दन से आवाज आ रही थी, एलैया एलैया या बनैया, ए मेरी बेटी आओ तुम्हारा बाबा यहाँ सो रहा है। ए फूफी अम्मा, इस तरह से मैंने बाबा की लाश को पहचाना। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون। परवरदिगारा हमारे इस मुख्तसर सी अज़ा को कबूल फरमा ले। परवरदिगारा जहाँ जहाँ भी शियान हैदर कर्रार हैं, हुसैन इब्ने अली के चाहने वाले हैं, उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा हमें अज़ाए सैयदुश्शुहदा में शिरकत की तौफीक इनायत फरमाओ। परवरदिगारा जब तक इस दुनिया में हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमाओ, और जब इस दुनिया से जाएं तो शफाअत इमाम हुसैन नसीब फरमाओ। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाओ, और हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमाओ। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक बार सूरह अलहम्द और तीन बार सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर हाजी ग़ुलाम अब्बास इब्ने ख़ादिम हुसैन मरहूम की रूह को इसाल फरमा दीजिए। मातम हुसैन।